इस वजह से आपका बर्ड जितना भी अच्छे क्वालिटी का है, जब तक आप उसकी अच्छी पोस्ट नहीं लगाएंगे, उसकी आप अच्छी एड नहीं लगाएंगे, तब तक आपका बर्ड सेल नहीं होगा। इस वजह से दो चीज़ों पे ध्यान रखें मेरे भाइयों, एक तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को बेहतर करें, अपनी छोटी छोटी एवरेज की उनको दिखाएं लोगों को कि ये हमारी एवरेज है, मैंने 5 जोड़े लगाए हुए हैं, मैंने 3 लगाए हुए हैं, मैंने 3 जोड़े 50,000 के लिए थे, इस साल मैंने इनमें से इतना प्रॉफिट कमाया। दोस्तों आप सबसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है AMS मिनी जू, उसमें मैं सारा दिन की अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको शेयर करता हूँ, तो उन एक्टिविटीज़ को मैं शेयर करता हूँ, तो आप उसको भी जाएं जाके सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और उस पर मैं लाइव भी आता हूँ, गपशप लगाता हूँ, इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। चाहे दूसरे चैनल पे मैंने लिंक दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, AMS मिनी जू के नाम से मेरा चैनल अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, उस पर मैं डेली बेस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ अच्छी आएंगे, जाएँ सब्सक्राइब करें उसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, सब दोस्त खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और आपके बर्ड्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों मैं मरजान चौधरी झंकला फार्म हाउस से आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। अक्सर दोस्तों का शिकवा है कि मरजान भाई हमारे बर्ड्स बड़े हेल्थी हैं, बड़े एक्टिव हैं और उनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, फिर भी हमारे बर्ड्स सेल नहीं होते। जब हम कोई पोस्ट लगाते हैं तो हमारे से कोई पूछता भी नहीं है। आपने पिछले दिनों में बात की कि अगर आपका अल्बाइनो रेड आइज का पीस होगा या अल्बाइनो ब्लैक आइज या सिप्लट तो वो इजीली सोल्ड आउट हो जाएगा, लेकिन हमारे वो बर्ड भी सोल्ड आउट नहीं हो रहे। तो जब उनसे पूछा जाए कि आप मुझे सेंड करें कि जो आपने पोस्ट लगाई है वो पोस्ट सेंड करें, तो दोस्तों ने पोस्ट ही ऐसे लगाई हुई होती है कि वो कोई देख के राज़ी नहीं होता उस बर्ड को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग के हवाले से अगर हमने अपना बर्ड सेल करने की पोस्ट लगानी है तो पोस्ट किस तरह से लगानी है, क्योंकि वो पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, उस हिसाब से हम किस तरीके से पोस्ट को लगाएं और अपनी मार्केटिंग को किस तरीके से करें ताकि हमारे बर्ड सेल हों। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को कहता रहता हूँ कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया में इन हों, अपना कोई एक पेज बनाएं अपनी एवरी के नाम से, कोई एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल बनाएं। अगर कुछ और ना भी करें, आपको किसी चीज़ का नहीं पता, चीज़ों का नहीं पता, तो आप ये तो कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस, उनकी क्रॉसिंग की वीडियोस, उनकी ब्रीड की वीडियोस, वो आप बेशक आप नहीं बोल सकते, आप में इतना दम नहीं है कि आप किसी के सामने बैठ के या कैमरे के सामने बात कर सकें, तो आप ये तो कर सकते हैं कि अपनी एवरी की छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बना के सेंड करें, उसके अलावा जो है आपकी जो ब्रीड आई है उसकी वीडियो सेंड करें। तो टिकटॉक पे आप ये सेंड कर सकते हैं, स्नैपचैट है और भी काफ़ी इस तरह इंस्टाग्राम वगैरह है। तो अपने बर्ड को सेल करने के लिए सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर इन हों, जब तक आप सोशल मीडिया पर इन नहीं होंगे तब तक आपको कोई इतना लोग जाने पहचाने के नहीं। अब वो टीवियों वाला निज़ाम ख़त्म हो गया, अब सारा कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए ही होता है। अगर इमरान खान साहब की तकरीर को अगर टीवी पर रोक भी दिया जाए तो तब भी सारे के सारे मुल्क में तकरीर फैलती है, वो एक सोशल मीडिया की ताकत है। एनीवन इमरान खान साहब का तो मैंने एक डिस्कस इस वजह से किया कि एक मिसाल देने के लिए। तो हमने करना किस तरह, दोस्तों जब हम पोस्ट लगाते हैं, अक्सर दोस्त आप मेरे से इस बात के एग्री करेंगे कि हम वीडियो बना रहे हैं, बर्ड कभी भाग के इधर जा रहा है, कभी भाग के इधर जा रहा है, ना बर्ड का बॉडी क्लियर हो रही है, ना उसका हुड क्लियर हो रहा है, ना टेल क्लियर हो रहा ही है, बर्ड कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। हम उसकी वीडियो बनाते हैं या तस्वीर उड़ते हुए की बनाते हैं, या सही तरह स्टिक पे बैठा नहीं होता, बर्ड बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आता, और हम उसकी तस्वीर या वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं कि हमने ये बर्ड सेल करना है। बाद वक्त हम रात के अंधेरे में बर्ड की तस्वीर लेते हैं, कैमरे की फ्लैश की वजह से बर्ड की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आती। बाद में जब वो हम पोस्ट करते हैं ग्रुप्स वगैरह में, फेसबुक वगैरह पर, तो वो कोई देखता ही नहीं है उसको, क्योंकि वो बर्ड आपका क्वालिटी में बिल्कुल हल्का नज़र आ रहा होता है। बेशक आपके बर्ड की क्वालिटी जितनी भी अच्छी है, लेकिन जब आप उसकी तस्वीर अच्छी नहीं खींचेंगे या वीडियो अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपका बर्ड ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का नहीं लगेगा, तो कोई उसका क्यों पूछेगा। क्योंकि हर बंदा जो भी शौकीन है वो हज़रात ये कोशिश करते हैं कि बर्ड खूबसूरत तरीन हो, क्योंकि अगर बर्ड की क्वालिटी अच्छी होगी तो कल को आपके पास जो उनके चिक्स की प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। इस वजह से कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी बर्ड की तस्वीर लेनी है या वीडियो लेनी है, वो आप कोशिश करें कि आप रूम से बाहर आके लें। रूम से बाहर आके आप इस तरह ले सकते हैं कि आप छोटी सी फटकी जो आजकल मिलती है उसमें बर्ड को डालें,
बर्ड को डालने के बाद आप उसकी अच्छी सी वीडियो बनाएं और तस्वीर बनाएं, वो बना के लगाएं। या अगर आपने कोई केज लिया हुआ है छोटा सा, वो आप बाहर रख सकते हैं। बर्ड अगर स्टिक के ऊपर बैठा है, वो बर्ड की पूरी जिसामत आनी चाहिए, जिसमें बर्ड पूरा का पूरा नज़र आए, उसकी बॉडी नज़र आए पूरी, उसकी टेल नज़र आए, उसकी जो चूंच वगैरह है, हुड नज़र आए, हर चीज़। और अगर आप बर्ड ले रहे हैं हाथ में पकड़ के भी आपने उसकी गर्दन के नीचे से इस तरह हाथ डाल के एक साइड पूरी क्लियर करनी। अक्सर दोस्त मैंने देखा है इस तरह बंद करके तस्वीर ले लेते हैं, जब उस तस्वीर में आपका बर्ड ही क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आपसे कौन पूछेगा उस बर्ड के बारे में। बर्ड पकड़ने का एक तरीक़ेकार होता है कि आपने बर्ड को पकड़ना कैसे, मैं उस पकड़ने की यहाँ थोड़ी सी तस्वीर आपको साथ लगा दूंगा कि बर्ड को कैसे पकड़ना है। बाकी जो है कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया पर इन हों, जब तक आप सोशल मीडिया पर इन नहीं होंगे आपकी मार्केटिंग कमज़ोर होगी। जब आपको सोशल मीडिया पर लोग जानने लग जाएंगे, आप अपनी एवरेज के बारे में बताएं लोगों को, अपनी जगह के बारे में बताएं, अपने शौक़ के बारे में बताएं कि आपने शौक़ किस तरह शुरू किया, आपका कोई पेयर है उसने कितने का आपने लिया था और उसमें से कितनी आपको ट्रिक्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आप टिकटॉक पे भी बता सकते हैं। अब तो अपने चीज़ों की मार्केट करनी वैसे ही बहुत आसान हो गया। मार्केटिंग तो ऐसे जैसे आपके अपने घर में पड़ी है। पहले लोग ऐसे करते थे, मार्केटिंग करवाने के लिए बड़ा बड़ा पैसा खर्च करते थे, उसके लिए ऐसे करना, कोई भी कंपनी है उसने बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने, उसके बाद जो है दूसरी बात है उन्होंने ये टीवी वगैरह पे ऐड चलाने। दोस्तों अब तो हमारे अपने हाथ में मार्केटिंग है, जब अपने हमारे हाथ में मार्केटिंग है, हम अपने बर्ड की या अपनी चीज़ों की मार्केटिंग फिर भी ना कर सकें तो वो तो फिर मैं अपनी नाली ही तस्लीम करूँगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप कोक को ले लें या शेजान को, सॉरी शेजान कह दिया, या पेप्सी को ले लें, क्या आपका ख्याल है कि अगर वो मार्केटिंग ना करें तो क्या उनका कारोबार बैठ जाएगा? नहीं दोस्तों, कभी भी उनका कारोबार नहीं बैठेगा, उनका कारोबार ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर भी आपके सामने कोक और पेप्सी अपनी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है जिसकी कोई हद नहीं है। आप जगह जगह पर पेप्सी या कोक के इश्तहार देखते हैं, यूट्यूब पर चलाएं उनकी वीडियोस में, हमारी जो वीडियोस आती हैं उनमें उन्हीं की एड चलती हैं, उसके अलावा टीवी में अगर लगाएं उनमें उनकी एड चलती हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जब तक आप अपनी एक अच्छी पब्लिसिटी नहीं करेंगे तब तक आपके बर्ड्स भी सेल नहीं होंगे। इस वजह से कोशिश करें दो चीज़ों पर तवज्जो दें, एक अपना सोशल मीडिया पर इन हो, और दूसरा आपने ये करना है कि आपने जो भी बर्ड की पोस्ट वगैरह लगानी है या वीडियो लगानी है वो बर्ड आपको एक खूबसूरत वे से नज़र आ रहा हो, और रात के वक्त तस्वीर ना लें, कमरे के अंदर तस्वीर ना लें। कोशिश करें कि आपका बाहर अगर गार्डन है, गार्डन में एक जगह पर रख के वहाँ पर आप तस्वीर ले लें। कोशिश करें कि अगर जिस तरह ये मेरे फार्म हाउस के बाहर लॉन है, अगर आपका इस तरह लॉन है तो आप उधर बर्ड को इस तरह खूबसूरत सा रख के उसके इर्द गिर्द से वीडियो बना सकते हैं, केज बाहर रख के, या फड़की पकड़ के इस तरह इर्द गिर्द गार्डन है आप बना के बड़ी खूबसूरत सी बना सकते हैं। अगर आपने केज में बैठाना है तो देखें बर्ड कहाँ पे रिलैक्स। मैंने बाद लोगों की तस्वीरें देखी हैं, बर्ड इस तरह जो है पिंजरे के साथ लटका हुआ होता है, दूसरी तरफ से जाके तस्वीरें खींच के पोस्ट लगा रहे होते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊँ, आप भी मार्केट में जाएँ तो आप वही चीज़ खरीदते हैं जो आपको खूबसूरत लगे। इस वजह से आपका बर्ड जितना भी अच्छे क्वालिटी का है, जब तक आप उसकी अच्छी पोस्ट नहीं लगाएंगे, उसकी आप अच्छी एड नहीं लगाएंगे, तब तक आपका बर्ड सेल नहीं होगा। इस वजह से दो चीज़ों पे ध्यान रखें मेरे भाइयों, एक तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को बेहतर करें, अपनी छोटी छोटी एवरेज भी हैं उनको दिखाएं लोगों को कि ये हमारी एवरेज है, मैंने 5 जोड़े लगाए हुए हैं, मैंने 3 लगाए हुए हैं, मैंने 3 जोड़े 50,000 के लिए थे, इस साल मैंने इनमें से इतना प्रॉफिट कमाया, इसमें से मुझे इतने बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं। और उसके अलावा आप दिखाएं, माशाल्लाह ये मेरा बच्चा निकला है, इसको मैंने अब हैंड फीड पे उठा लिया, या जो भी एनीवन जो वर्किंग है वो टिकटॉक पे छोटी छोटी 15-15, 20-20 सेकंड की वीडियो आप लगाएं, जो आपके पास ब्रीड आ रही है लोगों को दिखाएं कि ये देखें ये हमारे पास ब्रीड आ रही है। इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपको लोग जानेंगे, जब आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, जब आपको लोग जानेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर ऑटोमेटिकली आपका बर्ड सेल हो जाएगा। और दूसरा, अपने बर्ड की तस्वीर और वीडियो को बेहतर करें जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।